सरोकार। प्रयागराज में दिव्यांगों के लिए शिविर का हुआ आयोजन, शिविर में दी गई निःशुल्क सुविधा। देवरिया में पूर्व जिलाध्यक्ष की बनाई गई पुण्यतिथि कार्यालय और चौरी पर कार्यक्रम आयोजित किया। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के नेपियर कॉलोनी में दिनदहाड़े घर में घुसकर लूट की गई और पुलिस हाथ पर हाथ धरे रह गई। बता दें कि बर्तन के व्यापारी के घर में घुसकर असलहे के दाम पर लूट कर ली गई। लुटेरे ने लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट के दौरान राजकुमारी देवी नामक महिला और महिला के बेटे को बुरी तरह से पीटा गया। घर की महिला राजकुमारी देवी ने बताया कि तीन लुटेरों ने घर में बंधक बना लिया था। आया घर के अंदर घुस के और मुंह पे मारा, मार के मुंह में कपड़ा घुसे रहा था, टेप लगा दिया। तीन लोग थे, हाथ पैर सब बांध के घसीट के यहाँ लेके आया, वहाँ से ड्राइंग रूम में सोफे के पास से जानकारी मैंने उनको दे प्राप्त करा दी है। अच्छा, कितने का नुकसान हो गया होगा? मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं दी थी और बेचारे बहुत ज्यादा डरे हुए सहमे हुए थे। थाना ठाकुरगंज के अंतर्गत नेपियर रोड है, वहाँ एक मकान में जो एक माताजी और उनका जो बेटा था, वो तो तीन बदमाश घर में घुसकर असला के नोक पर लूटपाट किए हैं। लूटपाट में 2-3 लाख रुपए और कुछ जेवरात लेके गए हैं और तत्काल सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस आकर छानबीन कर रहे हैं। टीमें गठित किया गया है, जल्द से जल्द वर्कआउट किया जाएगा। राजधानी लखनऊ के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में नेपियर कॉलोनी में एक दिन दिहाड़े लूट की घटना को अंजाम देकर जो बेखौफ बदमाश थे वो निकल गए। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि ये वही मकान है, ये वही घर है जहाँ दिन दिहाड़े लूट की घटना होती है। तीन नकाबपोश आते हैं मास्क पहनकर और हाथ में ग्लव्स पहनते हैं और एक जो महिला थी उसको जो है बंधक बनाते हैं। बंधक बनाकर असलहे और चाकू के बल पर उससे जो जेवरात हैं वो निकलवाते हैं। जेवरात निकलवाने के बाद इसका इंतजार किया जाता है। उनके बेटे मंदिर गए हुए थे, मंदिर से जब वो बेटा लौट कर आता है तो उनसे जानकारी लेते हैं। इतनी देर इंतजार करा बेटों का, ये एक साफ जाहिर होता है कि जो बेखौफ बदमाश थे उनको जरा सा भी खौफ नहीं था। बेटा आता है, उससे पूछताछ करते हैं, उसके बाद उससे लगभग 2-3 लाख रुपए की नकदी और जेवर और महिला के जेवर, उसकी पत्नी के जेवर लूट कर यहाँ से दिन दिहाड़े चले जाते हैं और पुलिस को कानों कान फनक नहीं लगती है। और उसके बाद मौके पर फॉरेंसिक टीम आती है, डीसीपी आते हैं, उस पर जांच में जुटते हैं। जांच में जुटने के बाद यहाँ पर सारी चीजें खंगाली जाती हैं, पूछताछ होती है। लेकिन बेखौफ बदमाश दिन दिहाड़े यहाँ से लूट कर चले जाते हैं। पुलिस अब छानबीन में जुट गई है। अब देखना ये होगा कि इस जो पीड़िता है इनको इंसाफ मिलता है या फिर पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी। कैमरामैन रशीद के साथ मैं मोहम्मद उवैस, लखनऊ से प्राइम टीवी।
देवरिया में सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा केदारनाथ मणि त्रिपाठी की पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यालय और चौरी पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि हम सभी उनके विचारों और आदर्शों को आत्मसात कर समाज में सकारात्मक योगदान देने का प्रण लेते हुए उनको शत शत नमन करते हैं। शिक्षक के रूप में अपनी सेवा देते हुए वे शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। शिक्षा और शिक्षण से इतर केदारनाथ मणि ने अपने सामाजिक कार्यों का भी बखूबी निर्वहन किया। पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा अनिरुद्ध मिश्र ने कहा कि केदारनाथ मणि कार्यकर्ताओं से अभिवाहक की भांति व्यवहार करते थे। वे कार्यकर्ताओं के सुख दुख में बराबर के भागीदार रहते थे। पूर्व जिलाध्यक्ष मारकंडे शाही ने कहा कि केदारनाथ मणि एक कुशल संगठनकर्ता और ओजस्वी वक्ता थे। कई अतिथियों वहां पर मौजूद थे। प्रयागराज में इनाया फाउंडेशन और लायंस क्लब की ओर से दिव्यांगों के लिए निशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगों को विभिन्न योजनाओं के तहत निशुल्क सुविधा उपकरण और सेवा प्रदान की गई। साथ ही बच्चों की हड्डी की समस्या, सुनने की समस्या पर निशुल्क शिविर लगाया गया। हमारा लायंस क्लब इलाहाबाद अनुपम और इनाया फाउंडेशन की तरफ से विश्व विकलांग दिवस के मौके पे जो 3 दिसंबर को मनाया जाता है उसको हम लोगों ने आज 1 दिसंबर को ही मनाया है। पहले उसमें हमने दिल्ली से डॉक्टर जयदीप को बुलवाया ओपीडी के लिए और दिल्ली डॉक्टर मंसूर आलम सर को, दोनों लोगों ने आज बच्चों की ओपीडी की है। सेरेब्रल पाल्सी से जो जन्मजात जो दिव्यांगता है उससे ग्रसित बच्चों की ओपीडी करने के बाद इसमें जो बच्चे सर्जरी की स्क्रीनिंग हुई है, जो बच्चे सर्जरी होनी है उन बच्चों को टोटल फ्री सर्जरी होनी है, चाहे वो 2, 4, 6 जितने बच्चे हो जाएंगे आज वो टोटल 1 पैसा उसमें लगना नहीं है। हमारा मेन जो उद्देश्य है इनाया फाउंडेशन का, जो एक लाभचरित ट्रस्ट है लाभ रहित, उसमें हम लोग ये करते हैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम कि ऐसे बच्चे जिनको आज तक हम लोग 80% ये माना करते थे कि ये दिव्यांग हैं, तो आज की तारीख में पहले तो विकलांग शब्द को हटा के दिव्यांग रखा गया है। इसीलिए दिव्यांगता 80% एक्सरसाइज के जरिए से हम लोग सही कर लेते हैं और अच्छी अगर देखभाल की जाए, अगर अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम जैसे बच्चा जन्म के बाद या शिशु अवस्था में किसी भी वक्त अगर ब्रेन में चोट लगती है तो उसका ये साइड इफ़ेक्ट होता है जिसको हम लोग सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं, और अभी तक इस सेरेब्रल पाल्सी को नेग्लेक्टेड माना जाता था। अभी तक ये कहा जाता था सीपी का बच्चे कि इनको सही नहीं किया जा सकता, ये जिस तरह के हैं उसी तरह ये विकलांग रहेंगे। तो आज की तारीख में हम 26 ईयर से काम कर रहे हैं हमारी जो संस्था है, और हमने अभी करीब हमने 2000 से ज़्यादा बच्चे उनको मुख्य धारा में जोड़कर और मेन स्ट्रीम में लाने का हमने काम किया है, और ये साबित करके दिखाया है कि 80% बच्चे अगर इनकी जल्दी केयर चालू हो जाए, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम चालू हो जाए और एक्सरसाइज पे जाएं, कुछ हमारे बच्चों में एफओ गेटर और पैरों की जो आर्थोसिस होती है उसके लिए जो है अगर हम लोग पहले ही बनवा देते हैं तो डिसेबल बच्चे नहीं होते हैं, 80% नॉर्मल है जो अपने पैरों पे चल सकते हैं, समाज में मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं। साथ में हमने एक कैंप और ऑर्गेनाइज किया है आज के दिन जिसमें 40 लोगों को हमने बैसाखी और हमने 5 लोगों को एल्बो क्रच, 1 कान की मशीन है और उसमें वाकर भी हमने दिए हैं, 5-6 लोगों के लिए हमने छड़ी का इंतज़ाम किया है, वो फ्री ऑफ कास्ट हमने दिया है, उसका कोई पेमेंट नहीं लिया गया है। और आने वाले दिनों में हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी इस समाज में अगर आपको या आपके जरिए या आपका कोई मैसेज सुन रहा हो आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, तो जन्मजात जो ये दिव्यांगता है जिसको हम लोग सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं ये क्योर हो सकती है, ये विकलांगता नहीं है, ये ना ये अभिशाप है, इसको अभिशाप ना समझा जाए, ये इलाज। लायंस क्लब इलाहाबाद अनुपम और इनाया फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें 3 दिसंबर को जो विश्व विकलांगता दिवस है उसके अवसर पे आज यहाँ 1 दिसंबर को हम लोगों ने काफ़ी दिव्यांगजनों को बैसाखी और वॉकर, उसके अलावा कान की हेयरिंग एड आदि प्रदान की हैं, छड़ी भी प्रदान की है। इसके अलावा हमारे मुंबई और दिल्ली से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो कि पिछले 3 वर्षों से इलाहाबाद अनुपम के द्वारा करवाया जा रहा है, उनके द्वारा जो बच्चे सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित होते हैं उनकी जांच हो रही है, साथ ही आवश्यक उनको जो भी इलाज के लिए सुविधाएं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो भी उनके लिए उपकरण आदि की आवश्यकता होती है जिससे वो एक सामान्य जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। और अभी डॉक्टर साहब ने बताया भी कि 90% से 95% तक बच्चे पूरी तरह सामान्य हो जाते हैं,
और 60-65% अच्छे जीवन में उच्च रोजगार आदि भी प्राप्त करते हैं। तमाम तकनीकें विकसित हो चुकी हैं, उन्हीं सब की जानकारी और सुविधा आज यहाँ प्रदान की जा रही है। सर पर्चे आपका? मेरा नाम लायंस सी ए सौरभ कांत है, मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ मंडल 321 ई का, जिसमें 90 क्लब करीब आते हैं और देवरिया और नेपाल बॉर्डर से लेते हुए मध्य प्रदेश के 2 जिले, उसके अलावा बनारस, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर आदि, गोरखपुर आदि अनेक जिले इसके अंदर आते हैं। से हजार सरडीला रेलवे क्रॉसिंग को बंद करते समय एक ओवरलोड डंपर का पहिया धंसने से ट्रक पर आवागमन कुछ देर के लिए बाधित हो गया। रेलवे ट्रैक पर आ रही ट्रेन के चालक की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा टल गया। रेल कर्मियों ने सूचना पर पहुंची क्रेन की मदद से डंपर को हटाया गया और रेलवे यातायात को फिर से सुचारू रूप से संचालन किया गया। खबर प्रयागराज से है, जहां उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ने शिल्प मेले का आयोजन किया। मेले का आयोजन कई दिनों तक किया जाएगा। आपको बता दें कि पंजाब और उत्तर पूर्व मणिपुर के संस्कृति और नृत्य की प्रस्तुति की जाएगी। कार्यक्रम में भारत के सभी 28 राज्यों से 450 लोक कलाकार मनमोहक प्रस्तुति भी पेश करेंगे। पहली बार जो है इस तरह का आयोजन हुआ है और इसके लिए हम अपने कलाकारों की तरफ से और नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चर सेंटर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की तरफ से व्यापार मंडल का बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और ये आज शुरुआत है हमारे इस शिल्प मेले की और आज हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी हमारी शुरुआत है। ये आज से लेकर के 12 दिसंबर तक की चलेगा। तो हम हमारे कलाकारों को जो यहाँ सम्मान मिल रहा है इस पूरे प्रयागराज में, आज की इस सुभाष चौक के ऊपर जो हमने झांकी निकाली है, ये झांकी एक जस्ट झांकी का ही नाम है और इनका पूरा प्रदर्शन जो है आप देख पाएंगे हमारे सांस्कृतिक केंद्र के मंच के ऊपर। तो मैं आह्वान करता हूँ, मैं अनुरोध करता हूँ प्रयागवासियों से कि कृपया वे ज़रूर से ज़रूर हमारे नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चर सेंटर के मंच पर आएँ और इन कलाकारों के कला को उत्साहित करें। संपत्ति विवाद की पुरानी रंजिश लेकर एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही डीएसपी अभय कुमार ने हत्या से संबंधित दोषियों की गिरफ्तारी के सख्त निर्देश जारी किए हैं। पिताजी हम हमारे मारा थे और खेत पहुँचे जब जी थी पता रात मारे फिर आपको जानकारी हमको 11 बजे चल पड़ी है। क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ में जमीन का विवाद था। जमीन का विवाद चल रहा था। कब से चल रहा था जी? हो गया 8 साल हो गई थी। फिर उन्होंने पंचायत भी जुड़ लिया। फिर उन्होंने पंचायत में देने भी कहाँ अब करूँ बहना फिर करूँ बहना अभी तक बहना में वापसी नहीं किया, मारने की धमकी दी। फिर थाना क्षेत्र विजयगढ़ के क्षेत्र अंतर्गत नगला लाला गाँव के निवासी बुधपाल पुत्र बाबू सिंह, जिनकी उम्र 70 वर्ष थी और ये एक पारिवारिक व्यक्ति हैं जिनके 3 पुत्र और 1 पुत्री है, ये राहुल गुप्ता की ट्यूबवेल पर सोने आते थे, जहां पर कल राति में उनको किसी के द्वारा मारा पीटा गया था और आज इनकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। इनके परिवारजनों द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया धारा 302 में और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुशीनगर में पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसके चलते पटहेरवा पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त टीम के साथ एटीएम काटकर पैसा लूटने वाले गिरोह की मुठभेड़ की गई, जिसमें 4 बदमाश को गोली लगी है। साथ में एक महिला सहित 2 अन्य बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के पास से 1 पिस्टल, 4 अवैध तमंचा, 16 जिंदा कारतूस, 1 स्कॉर्पियो, 1 डीसीएम और 1 गैस कटर भी बरामद किया गया। अभियुक्तों का काफी लंबा आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बरामदी और गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जनपद कुशीनगर में पटेरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को मुखबिर से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति वहां पर घटना कारित करने के उद्देश्य से देखे गए हैं। इसी क्रम में पुलिस ने वहां पर व्यापक चेकिंग अभियान करवाया था और वहां पर घेराबंदी की हुई थी। इसी संदर्भ में फाजिल नगर के पास जो एटीएम है वहां पर एक संदिग्ध गाड़ी पुलिस को दिखाई देती है, पुलिस उसको रोकने का प्रयास करती है,
लेकिन वो गाड़ी पुलिस द्वारा नहीं रोकी जाती है और पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगती है और बैरिकेड तोड़ के भागने का प्रयास करती है। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की जाती है इसमें, और इसमें चार बदमाशों को गोली लगती है जो घायल होते हैं। ये चार जो हैं उनका नाम इकराम है, खालिद, इजाजुल और इकबाल। इसमें से जो इकराम है वो 50,000 का इनामी है, बाकी शेष जो है वो 25,000 के इनामिया है। हरदोई के सानी नगर में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वह गुंडा टैक्स न देने पर व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। तो वहीं रुद्रा पंडित नाम का एक युवक अपने गिरोह के साथ सांडे इलाके में दहशत फैलाए हुए है, जिसने व्यापारियों सहित आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हद तो तब हो गई जब दबंगों ने 30 वर्ष से संचालित दुकान में चोरी के साथ उसे हटाने की धमकी दी, जिससे पीड़ित परेशान होकर ददर की ठोकरें खा रहा है, जिसके बाद पीड़ित ने SP को शिकायती पत्र दिया, जिस पर पुलिस ने जाँच का आदेश दिए हैं। हमारी दुकान जो है DK गैंग के जो है हिमांशु और इनके साथियों ने सब तोड़ फाड़ के जो है काट ली और चोरी भी कर ली। 5,000 रुपये भी उसमें रखे थे वो भी निकाल लिए। हमारे आगे एक टीन का नया खोखा भी रख दिया है अपना, और दूसरी तरफ एक गति अवरोधक टूटा खोखा लगा दिया, हमारी रोजी रोटी बंद कर दी। गाजीपुर से जहां एक महिला ने भू राजस्व अधिकारी और उनके पेशकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने CRO और उनके पेशकार पर रिश्वत लेने व पक्षों के पक्ष में आदेश करने का आरोप लगाया है। मामला दिलदार नगर क्षेत्र के जमीन संबंधी विवाद का है। पूरा मामला CRO की कोर्ट में चल रहा है। महिला का आरोप है कि CRO ने आदेश उनके पक्ष में करने के लिए 2,00,000 रुपए मांगे, लेकिन वो रिश्वत देने के लिए पूरे पैसे का इंतजाम नहीं कर पाई। वो 1,00,000 रुपए लेकर CRO कार्यालय पहुंची तो उसे भगा दिया गया। महिला का आरोप है कि CRO ने विपक्षियों से 5,00,000 रुपए रिश्वत लेकर उसके खिलाफ आदेश किया गया, जिसके बाद महिला ने DM ऑफिस में नोटों की गड्डियां लेकर प्रदर्शन भी किया। यह हमारा आदेश में फाइल रहला, 17 तारीख के आदेश करे के रहला। हम रोज रोज आवत अली साहब हमारा आदेश कर दी। कुछ लोग कहना के कुछ साहब के पैसा देबू तब करियन के कले रहे कुछ उमन का पेशकार कले रहे ना, तो हम कहलिए ठीक है भैया हम कोई से मांग जान के लिए, और ओकरे बाद हम जुटा ले लिया पैसा। कितना मांगले ला? हमसे 2,00,000 रुपया मांगले रहे, बाकी हमरे काय कटे करना। हम कई आदमी से कितना लेकर लुआ? हम 1,00,000 लिया रे भैया। हमारी एक बरकत सिकड़ी है जो की लड़की का ब्याह ना कैले है। हम 5 गो लड़का हुआ सा, 1 गो जवान लड़की है। अब पगल इनके तारे कोर्ट कचहरी में दौड़त है। बुलंदशहर में IT प्रोफेशनल के पास से चोरी किए गए 1,12,00,000 की नकदी बरामद कर ली गई। साथ ही रकम पर हाथ साफ करने वाले 6 चोर को भी गिरफ्तार कर लिए गए। तो वहीं चोरों के बैंक अकाउंट में जमा 9,00,000 रुपए भी फ्रीज पुलिस ने करा लिए हैं। 3 दिन पहले चोरों ने जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के व्यापारी की कार से रकम चोरी की थी। ये थाना जहांगीराबाद में एक व्यवसायी द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उसके गाड़ी में रखे हुए 30,00,000 रुपए उसके ड्राइवर व उसके भाई व एक अन्य व्यक्ति द्वारा चुरा लिए गए हैं। इस संबंध में थाना जहांगीराबाद की पुलिस और SOG को लगाया गया था। उनके द्वारा इस तफ्तीश में कुल 6 लोगों को पकड़ा गया, जिनके पास से 1,12,00,000 रुपए कैश रिकवर हुए हैं। और साथ ही साथ ये बात भी प्रकाश में आई कि उनमें से एक व्यक्ति ने अपने 2 रिश्तेदारों को 4,50,000 रुपए कैश ट्रांसफ़र किए हैं, अर्थात कुल मिलाकर 1,21,00,000 रुपए के करीब इनके पास से ये बरामदगी हुई है, जिसमें कुछ कैश है और कुछ बैंक अकाउंट में है। जो बैंक अकाउंट में पैसा है उसको फ्रीज करने के लिए पत्राचार किया जा रहा है। अलीगढ़ के लोधा में पीड़िता को उसके हिदेवर ने तमंचे की नोक पर मनमाने तरीके से उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही पीड़िता का आरोप है कि इसी दौरान उसके देवर ने घटना की जानकारी किसी को न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता का कहना है कि वह इस घटना की शिकायत लेकर क्षेत्रीय थाने में भी गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं पुलिस कार्यवाही न होने से परेशान पीड़िता SSP कार्यालय पहुंची और आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। मारपीट हुई, चोट मारी है, मैं 2 मिलाए हुई मारा है मेरे और हाथ टूट गया है मेरे। देवन ने जेठ नंदा ने कहा कि देवन ने सास ने और आदमी ने हमारी बहन के साथ दुष्कर्म करे गए। दुष्कर्म किया है? हाँ, किया दुष्कर्म देवन ने। माजिद नाम है उसका। माजिद नाम है? हाँ। नहीं। कुछ भी नहीं, मैं बचाने गई तो मुझे भी मारा है। इसलिए
थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे साथ बदतमीजी करी है, इज्जत लूटी गई है मेरी, मेरे देवर ने ये साथ करा है, मेरे मुंह में कपड़ा घुस के मुझे मारने की कोशिश, और इज्जत मेरे आदमी ने भी लुटवाई थी और मेरे देवर ने भी लूटी है। थाने गई हैं आप? थाने गए थे, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी। आज कहाँ आई? कप्तान साहब के पास आए थे। क्या आश्वासन दिया कप्तान? अभी उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम।